फ्रेंड्स, तो IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए, एज वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x is equal to cos y is 2m pi plus minus y for all n belongs to integer। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आप देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप निकालेंगे तो 4x is equal to आपका हो जाएगा 2n pi plus minus 2x। तो अब इसमें दो केसेस बनेंगे, एक तो आपका ये हो जाएगा 4x is equal to 2n pi plus 2x और दूसरा केस आपका बनेगा 2n pi sorry 4x is equal to 2n pi plus minus, अरे यार ये minus 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x is equal to 2n pi, x is equal to क्या हो जाएगा n pi for all n belongs to integer। ठीक है, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6x is equal to 2n pi आएगा। ठीक है, तो x is equal to हो जाएगा n pi by 3। ठीक, ये आया है for all n belongs to integer। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इन दोनों में से एक लेना होगा। अब ये सॉल्व करने पर तो दोनों ही आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x belongs to n pi और x belongs to n pi by 3 for all n belongs to integer। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना सॉल्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड यह है कि अगर cos 2x को इधर ले जाएं तो यहां पर आपका RHS में जीरो हो जाएगा और cos t माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा, वो भी हम करके बताते हैं आपको। चलिए देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। तो देखिए, जो आपका cos c माइनस कॉस डी आपका होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन ये आपका फोर एक्स प्लस टू एक्स बाई टू और ये आपका साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका माइनस 2 साइन, चेक कर लीजिए, ये आपका 3x हो जाएगा और ये आपका साइन x हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक टर्म हमारा जीरो होगा, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, पता नहीं है हमें कौन जीरो है। तो हम क्या करेंगे, एक एक बार दोनों को कंसिडर करेंगे। हम एज्यूम करते हैं साइन 3x इज इक्वल टू जीरो, तो साइन x इज इक्वल टू जीरो पर हम जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हम जानते हैं, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर आपका साइन 3x जीरो है, साइन 3x इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू एन पाई है, तो
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई अपॉन 3। ठीक है, एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, ये भी आपका होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखना जरूरी होता है थोड़ा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि भाई हम इसको हम इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो ये आपका साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपका यहां पर आपका आ जाता है x इज इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एन पाई बाई थ्री और x इज इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब यहां पर हम ये बात हम लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन त्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।